पड़े। अच्छा, इस दुनिया में याद रखना जवानों कि आप जब आगे बढ़ेंगे और आप जब किसी योग्यता पर पहुंच जाएंगे तो दुनिया आपको गिराने के लिए भी बहुत कोशिश करेगी, ये होता आया है। और तो छोड़ो, बाहर वालों की तो छोड़ो, घर वाले गिरा देते हैं, घर वाले ही इधर इधर अंदर अंदर कितनी पॉलिटिक्स चलती है आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा भी होता है इस दुनिया में, ईर्ष्या यहां से शुरू होती है और ठेठ ऊपर तक जाती है, इसलिए इसका नाम दुनिया है। ये कभी एक रास्ते पे नहीं चलती, कभी कहेगी बहुत अच्छा तो कभी कहेगी बहुत बुरा, ये दुनिया है। अगर ये एक रास्ते पे चलती तो इसका नाम होता एकनिया, पर ये दो मुंह है इसलिए इसका नाम है दुनिया, ये दो रास्ते पे चलती। उन छोरे रे साथ एड़ो हो कि वेज साफ साफ करने वाला, हमें तो उन्होंने जलन लग गया, ईर्ष्या करने लग गया। लड़के ने कहा यार अब तो गड़बड़। अच्छा, उसको सब पता है कि ए मऊ ईर्ष्या करे है, आने तकलीफ भी है, मैं आगे क्यों बढ़ गयो। पर वो लड़का इतना व्यवहारिक और इतना ही सहनशील कि वो कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता था, सबसे हंस मलक के बोलता था, सबसे प्रेम से बात करता था। ये याद रखना, इस दुनिया में शायद पद आपको ऊंचा ना ले जा सके। पद का क्या है, जो कि पद माते आदमी बैठे हैं वो पद उपाचो नीचे भी उतर जावे है। सरकार हुई, ये हुई, जितने भी दुनिया में पद हैं 5 साल तक मिलते हैं, उसके बाद कभी न कभी नीचे तो आना पड़ता है। लेकिन इस दुनिया में सम्मान पद का नहीं है, इस दुनिया में सम्मान विचार वाणी और व्यवहार का है। ये कभी कम नहीं होना चाहिए, इसमें कभी समझौता मत करना। विचार अच्छे रखना, वाणी आपकी अच्छी रखना और व्यवहार आपका अच्छा रखना। कोई जा रहा था, ऊंची सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो बीच में जो आ रहे थे उन सब के साथ में वो हंस मुल्क के बात कर रहा था। कोई कहो आऊं कई बात करे, थारी कुर्सी तो ठेठ वटे है, थू आऊं मुंडे लगे आऊं कई हंस मुल्कन बात करे, तो वो आदमी बहुत समझदार हो, वो कहो देखो साहब मैं तो वटे जाऊं नहीं चाहूं, मारो टारगेट तो वो है और वटे मैं जाऊंगा और आऊं, वह कुर्सी बहुत ऊंची है लेकिन मैं फिर भी इनके साथ में प्रेम से बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल गड़बड़ नहीं करता, ईमानदारी के साथ पेश आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि जैसे जाते वक्त मेरे को ये मिल रहे हैं, वैसे कभी न कभी कुर्सी छोड़कर वापस भी आना है तो आते वक्त भी यही मिलने वाले हैं। इनसे रिश्ता तोड़ के क्या करूंगा, इनसे तो बना के ही चलना है। तो याद रख, जो आपरो विचार, आपरी वाणी और आपरो व्यवहार दुश्मन दे साथे भी बढ़िया होना चाहिए। किसी दिन आप इस दुनिया से चले जाएं तो दोस्त तो आपको याद करें सो करें, पर दुश्मन भी क्या